और रिजवान इंग्लिश स्कूल एंड जूनियर कॉलेज चैतन्य नगर ने हर साल की तरह इस साल भी 100% नतायज की रिवायत को कायम रखते हुए 12वीं बोर्ड में शानदार कामयाबी हासिल की है। हाल ही में 12वीं बोर्ड के सालाना इम्तिहानात के नतायज का ऐलान किया गया, जिसमें रिजवान जूनियर कॉलेज के तलबा ने शानदार कामयाबी हासिल की है। स्कूल इंतजामिया की जानिब से फराहम की गई तफसीलात के मुताबिक अनुशा फिरदौस जमानी, मोहम्मद खलीखुल जमानी इस तालिबा ने 90% नंबरात हासिल करके कॉलेज में पहला मुकाम हासिल किया है। इसी तरह अनम तहूरी सोहेल अहमद ने 86.86% नतायज के साथ दूसरा मुकाम हासिल किया है, जबकि शेख मोहम्मद रफ़ी ने 82.50% नंबरात के साथ तीसरा मुकाम हासिल किया है। अनम मिर्ज़ा शफीक बेग ने 79.83% नंबरात हासिल किए हैं। इसके अलावा जूनियर कॉलेज के 50% से ज़ायद तलबा ने इम्तियाजी नंबरात से कामयाबी हासिल की है। रिजवान जूनियर कॉलेज पिछले कई सालों से जूनियर कॉलेज 12वीं बोर्ड में 100% नतायज देता आ रहा है। इससे ये साबित होता है कि कॉलेज इंतजामिया, प्रिंसिपल और लेक्चरर्स की मेहनत रंग ला रही है। 2018 से 2023 के बीच रिजवान जूनियर कॉलेज के ज़रिए नीट, JEE और MHT CET इन कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम के ज़रिए 96 तलबा व तालिबात में से 29 तलबा को मेडिकल सीट और 27 तलबा को इंजीनियरिंग सीट दिलाने में कामयाब रहा। इसी के साथ दीगर तलबा दीगर प्रोफेशनल कोर्सेज में दाखिला हासिल करने में कामयाब रहे। कॉलेज के मंजुमला शानदार कामयाबी रिजवान कॉलेज के ट्यूशन फ्री फुल डे कॉलेज एजुकेशन सिस्टम के ज़रिए ही मुमकिन हो सकी है। स्टूडेंट्स को ऑल अंडर रूफ के ज़रिए एक ही छत के नीचे तलबा को तमाम ज़रूरी तालीम देने का काम बेहतरीन अंदाज में किया जा रहा है। इस इदारे में न सिर्फ अकलियती मुस्लिम समाज बल्कि दीगर मजाहब के तलबा को कामयाब करने की भी कोशिश की जा रही है। इदारे के डायरेक्टर अब्दुल रशीद सर ने कॉलेज के कामयाब तलबा और उनके सरपरस्तों को मुबारकबाद पेश की है और मुस्तकबिल में इसी तरह के बेहतरीन नताइज देने की यकीन दहानी कराई। इसी के साथ साथ इस इदारे के प्रिंसिपल सैयदा फातिमा ने कामयाब तलबा व तालिबात को मुबारकबाद पेश की और इस बात की यकीन दहानी करवाई कि वो अपने कॉलेज के लेक्चरर्स की परफेक्ट टीम के ज़रिए अनथक मेहनत करते हुए तलबा के मुस्तकबिल को संवारने का काम जारी व सारी रखेंगे। रिजवान जूनियर कॉलेज के तलबा की कामयाबी पर स्कूल इंतजामिया को मुबारकबाद देने के लिए वंचित बहुजन अघाड़ी के रियासती तर्जुमान फारूक अहमद और उनकी टीम ने भी स्कूल पहुंचकर स्कूल के डायरेक्टर अब्दुल रशीद सर की तहनीत पेश की और उन्हें मुबारकबाद दी। उन्होंने अपने तासुरात जाहिर करते हुए रिजवान इंग्लिश स्कूल के ट्यूशन फ्री फुल डे एजुकेशन सिस्टम की पजराई की और इस मॉडल को दीगर इदारों को भी अपनाने की नसीहत की। अल रिजवान जूनियर कॉलेज एंड ग्रुप ऑफ स्कूल्स ये एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है नांदेड़ में जहां पर एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये तीनों का एक कॉम्बिनेशन यहां पे हम देख सकते हैं। मेरा खुद के फैमिली के बच्चे यहां से पढ़े हैं और इनकी जो 100% रिज़ल्ट की ट्रेडिशन है, रिवायत है, उसको जारी रखते हुए 2024 में भी 100% रिज़ल्ट देने वाली एक इंस्टीट्यूट के तौर पे आज हम फारूक अहमद मित्र मंडल की तरफ से स्कूल के जिम्मेदारों का, संस्था चालकों का और पूरे स्टाफ का अभिनंदन करने, मुबारकबाद देने, फेलिसिटेशन करने के लिए आए हुए हैं। यहाँ पर मुझे कुछ चीज़ें बतानी है कि आज के दौर में जो तालीम को एक कारोबारी जोड़ लग गई है और आपको कॉलेज में एडमिशन होता है लेकिन आपको एजुकेशन कोचिंग में जाके प्राइवेट में लेना पड़ता है। कॉलेज फुल टाइम फ्री रहते हैं, वहाँ पे एडमिशन लो और फ्री हो जाओ, लेकिन फुल टाइम कोचिंग में आपको वक्त देना पड़ता है। अल रिजवान एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ एडमिशन होने के बाद फुल डे एजुकेशन का सिस्टम नज़्म यहाँ पे होता है, आपके बच्चों को बाहर कोचिंग में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मुझे लगता है कि आज गवर्नमेंट को भी चाहिए कि ऐसे इंस्टीट्यूशन को प्रमोट करें ताकि हमारे पास में जो कमर्शियल एस्पेक्ट कोचिंग कल्चर का डेवलप हुआ है उसमें एकाधी ऐसी इंस्टीट्यूट होती है जो मिसाली काम करती है, जिसमें अल रिजवान नांदेड़ में बड़ी शान से काम कर रही है। इसलिए मुझे लगता है कि नांदेड़ के प्रशासन को भी चाहिए कि इस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को प्रमोट करते हुए, एक आइडियल बनाते हुए महाराष्ट्र के अंदर दीगर इंस्टीट्यूट और जूनियर कॉलेजेस को एक एग्जांपल सेट करें। 10वीं के मार्क्स के अब मायने ख़त्म हो गए, 12वीं के एकेडमिक मार्क के मायने ख़त्म हो गए, क्योंकि आपको रिजल्ट जो देना है वो PCB नीट के ग्रुप्स का देना है।
मुझे लगता है कि यहाँ पर जो 100% बच्चे से पास ही नहीं हुए, तो पीसीबी के अंदर जो 18 बच्चे बैठे थे उसमें के 17 बच्चे एलिजिबल हुए हैं, 94% उसका परसेंटेज है। पीसीबी नीट ग्रुप के अंदर 28 में के 18 बच्चे क्वालिफाइड हुए हैं और उसका भी परसेंटेज जो 65% है। और पीसीबी सीईटी का जो ग्रुप था उसमें 28 में के 27 बच्चे क्वालिफाई हुए हैं, जिसको 96.43 का रेशो आता है। इतना सक्सेस रेशियो एकेडमिक एजुकेशन के साथ आप अलग से अगर पीसीबी का, नीट का और सीईटी का प्रिपरेशन कराते हुए बच्चों को दे रहे हैं, तो पेरेंट्स के लिए तो ये राहत का ही है। मुझे लगता है एजुकेशन सिस्टम में जो एक इम्प्रूवमेंट और बदलाव की उम्मीद हम एज अ पेरेंट करते हैं, एज अ सोशल वर्कर करते हैं, उसका एग्जाम्पल सेट करने का काम अल रिजवान ये इंस्टीट्यूशन कर रहा है। मुझे लगता है कि इसको इधर अदर जूनियर कॉलेज और इंस्टीट्यूशन ने एक बेंचमार्क की तरह लेकर यही इम्प्लीमेंटेशन अगर अपने अपने ज़िलों में होगा तो आने वाले दौर के अंदर आम लोग अपने बच्चों को न सिर्फ पढ़ाएंगे बल्कि अच्छी फ्री कोचिंग जो कॉलेज में होती है उसके ज़रिए नीट और इंजीनियरिंग के लिए अपने बच्चों को क्वालिफाई करा पाएंगे। हर साल की तरह इस साल भी अल रिजवान जूनियर कॉलेज एंड ग्रुप ऑफ स्कूल्स का रिजल्ट 100% रहा। उसमें अनुषा के नंबर, अनुषा जमानी के नंबर 90% आए। ये पहले तो आपको बता दूं कि अल रिजवान जूनियर कॉलेज फुल डे एजुकेशन सिस्टम है, ट्यूशन फ्री एजुकेशन सिस्टम है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से कई बच्चे बोर्ड में ही नहीं, नीट के अंदर, जेडब्ल्यूई के अंदर और एमसेट के ज़रिए, वहाँ के एग्ज़ाम्स के ज़रिए भी कई बच्चे डॉक्टर्स बन चुके हैं। 35 के करीब अभी तक हमारे पास डॉक्टर्स बच्चे बन चुके हैं, इंजीनियर 35 के करीब गए। और उसी अंदाज में जो हमारे रिजल्ट्स आ रहे हैं वो 100% रिज़ल्ट आ रहे हैं। एक ही छत के नीचे फुल डे एजुकेशन सिस्टम के ज़रिए हम एक नई परंपरा को चालू किए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हम सक्सेस हो रहे हैं। और आज फारूक भाई और उनका मित्र मंडल हमारे पास ख़ास तौर से हमको मुबारकबाद देने के लिए आया, मैं फारूक भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ। फारूक भाई के जैसे लोग आज हमारी हिम्मत अफजाई के लिए आ रहे हैं, हमें ये बहुत खुशी की बात है और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा ऑनर है कि समाज में काम करने वाले लोग हमको चाहते हैं और हमारी कोशिशों को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला इस इदारे को आगे बढ़ाए और इंशाल्लाह जो है इसी अंदाज में हम लोग काम करते रहेंगे और अल्लाह ने चाहा तो अच्छे आगे के रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे देंगे इंशाल्लाह हमेशा। ऑनरेबल डायरेक्टर सर, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैम, टीचर्स एंड ऑल माई डियर फ्रेंड्स, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आई एम अनुषा फिरदौस, डॉटर ऑफ मोहम्मद हरीखुज़्ज़मा। I got 90% in my HSC board exam. Alhamdulillah, it is a very proud moment for me, my parents and all my teachers. All the thanks to Allah subhanahu wa ta'ala that he made me achieve this success. And Alhamdulillah, I am the first topper of Al Rizwan College. Al Rizwan has been always supportive to me in my every success and in my every problem also. Director Abdul Rashid sir, Principal Tehseen ma'am and all my teachers, thanks to all of you for always guiding me to the right path and making me and preparing me to face every situation. Rashid sir always planned the best for all students. Principal ma'am always guided us to the right path and the hard work of our teachers is unforgettable. A very big thanks to my parents also, who always supported me and motivated me and took right decisions for me, and they never stopped me from my studies. Alhamdulillah, it is a very big achievement for me that I am able to make my parents and my teachers proud and happy. And inshallah, this bright result of Al Rizwan will continue in future also. I am very thankful to Rashid sir, Principal ma'am, all my teachers, Fatima miss, Shazia miss, Anjuman miss, and all the staff of Al Rizwan. And I am very thankful to my I am very thankful to my parents also. Thanks for all your efforts. Thank you. Allah Hafiz. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऑनरेबल डायरेक्टर सर, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर्स एंड ऑल माय डियर फ्रेंड्स, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। आई एम अनम तहूरा, डॉटर ऑफ सोहेल अहमद। अल्हम्दुलिल्लाह, आई हैव सिक्योर्ड 83% विद सेकंड रैंक इन माय कॉलेज। आई एम वेरी थैंकफुल टू अवर डायरेक्टर सर, मिस्टर अब्दुल रशीद सर एंड द प्रिंसिपल मैडम। बिकॉज ऑफ देयर गाइडेंस एंड प्लानिंग आई एम हियर। This is a very special and proud moment for me, my parents and my teachers. Because of them only and their hard work only, I am here in front of you with such a good rank. I want to specially thank my parents who have trusted on my institute and me. Because of them only, I am a part of Al Rizwan. And inshallah, this success of Al Rizwan will continue in future also.
I want to thank Mr. Abdul Rashid sir, because of his best planning and through tuition free full day college of Al Rizwan, I have secured such a good rank and Al Rizwan has got 100% result in HSC board exams. Thank you, Allah.